गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नाइन्थ और टेंथ दोनों में ये चैप्टर है, ध्यान से पढ़ें इसको। नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 है टेंथ में, और नाइन्थ में भी ये सेम चैप्टर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ठीक है। कितने मार्क्स का बोर्ड के अंदर? 6 मार्क्स का। देखिए बेटा, पहले बात करते क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। सबसे बाद की बात बाद में है, पहले क्या क्षेत्रफल और आयतन। देखो बेटा, कोई भी वस्तु है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, उसमें ये समतल है, एक प्लेन है, ये वस्तु है, इसको अपने इसमें रख दिया, ठीक है। अब इस वस्तु ने इस समतल में, इस ऑब्जेक्ट ने इस प्लेन में कितनी जगह घेरी? भाई दो तरीके से कोई भी वस्तु जगह घेरती है, एक तो तल में समतल पर और एक हवा में वायुमंडल में। तो इस वस्तु ने किसी तल में जो स्थान घेरा, इस हाथ पे जैसे रखी अपने, तो वो स्थान जहाँ ये वस्तु आई हाथ में, ठीक है, जैसे ये चौक से यूं कर देंगे तो यहाँ पे एक आयताकार आ जाएगा, ठीक है। इस प्लेन में इस ऑब्जेक्ट ने जितनी प्लेस ऑक्यूपाई करी है वो उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है? एरिया। वो उस वस्तु का क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। अच्छा, वॉल्यूम क्या हो गया? कि किसी वस्तु द्वारा वायुमंडल में जो स्थान घेरा गया है, ठीक है, क्या वायुमंडल में जो स्थान घेरा गया है वो उस वस्तु का क्या कहलाता है? आयतन। किसी भी ऑब्जेक्ट में स्पेस के अंदर, अब जैसे ये यहाँ आ गया तो हवा में, अब ये यहाँ नहीं है तो यहाँ पे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जब यहाँ आ गया तो वायुमंडल में इसने स्थान घेर लिया, वो स्थान उस वस्तु का क्या कहलाता है? आयतन। जब वो वस्तु सॉलिड या ठोस हो, लेकिन अगर वो वस्तु खाली हो, जैसे गिलास जग, तो इसके अंदर की स्पेस, मतलब इसमें कितना पानी आएगा, इसमें कितना द्रव्य पदार्थ आएगा पूरे में, वो क्या कहलाता है? उसका आयतन। क्या वॉल्यूम क्या कहलाता है? जैसे कोई होलो ऑब्जेक्ट है तो उसमें कितना लिक्विड आएगा, ये पूरी जगह जो अंदर की होती, कितना लिक्विड आएगा वो उसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम। आगे इसका सरफेस एरिया पूछे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो जहाँ जाइए स्टील लग रहा है, जहाँ जहाँ यहाँ यहाँ, ये सब इसका सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अरे बात समझे? चलिए अब उसके बाद अपन देखते हैं, उसके बाद अपन देख रहे हैं अब क्या है। कुछ ठोस वस्तुओं के, ठोस ऑब्जेक्ट जो मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, उनके अपन सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे, उनके क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे। सबसे पहले दो एक जैसी वस्तु है, थोड़ा सा अंतर होता है, उसके बारे में जानते हैं। घनाभ और घन। क्या बेटा? घनाभ और घन। घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड और घन को बोलते हैं क्यूब, ठीक है। ये दोनों षटफल की आकृति होती है, सिक्स फेस फिगर होती है, ठीक है। जैसे ये डस्टर, क्या जैसे ये डस्टर, ठीक है, इसके सिक्स फेसेस हैं, एक दो तीन चार पीछे वाला, ऊपर पांच और नीचे छह, हाँ है ना, समझ में मेरी बात। तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है? षटफल की आकृति, सिक्स फेस फिगर है। लेकिन ये ऐसे खाली एक ही जैसी नहीं होती, दो तरह की होती है। एक तो ऐसी जो लंबी हो, जैसे डस्टर हो गया, अगरबत्ती का डब्बा हो गया, साबुन हो गया, साबुन की जो टिकिया होती है वो, ठीक है। ऐसी भी होती है जो चार फुट की हो, जिसके सारे पीसेस बराबर, जैसे चौक बॉक्स, चौक का डब्बा छोटा आपने देखा होगा क्लासरूम में, ठीक है, या फिर वो अपन पासा लूडो का जो डाइज होती है वो भी एक तरह से ऐसी ही फिगर होती है। उसकी भी सिक्स फेसेस होते हैं, लेकिन वो सब तरफ से इक्वल रहती है, ये लंबी रहती है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में आज अपन पढ़ रहे हैं कि घनाभ और घन क्या होते हैं, क्यूबॉइड और क्यूब क्या होते हैं। पहली जो इसमें पॉइंट होगा वो होगा डेफिनेशन। क्या होगी? डेफिनेशन। देखो, जो ये फिगर होती है क्यूबॉइड या घन, इसकी लेंथ होती है लंबाई, ये चौड़ाई ब्रेथ और ये ऊंचाई हाइट, ये तीनों इक्वल नहीं होती, दो इक्वल हो भी सकती है लेकिन तीनों भी इक्वल नहीं। अगर ये तीनों इक्वल हो जाए तो किसका शेप ले लेती है? घन या क्यूब, ठीक है। कब कौन लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर हो जाए उसको क्या बोलते हैं? उस घन की भुजा या साइड, ठीक है। इक्वल होते ही ये फिगर ऐसे बन जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसी षटफल की आकृति,
जिसके सभी पृष्ठ कैसे हो, जिसके पृष्ठ कैसे हो, आयताकार, ये पृष्ठ होते हैं, फेसेस होते हैं, ठीक है। और ऐसी षटपद की आकृति जिसके सभी पृष्ठ कैसे हो, वर्गाकार, उसे क्या बोलते हैं, घन, समझे, सारे पृष्ठ कैसे हो, वर्गाकार, स्क्वायर इंच, ठीक है। तो अब इंग्लिश में डेफिनेशन क्या, ध्यान से सुने, देन सिक्स फेस फिगर हूज फेसेस आर रेक्टेंगुलर इन शेप, कैसे होंगे फेसेस रेक्टेंगुलर इन शेप, मैंने और नहीं बोला, कुछ हो सकता है स्क्वायर शेप में, फेसेस आर रेक्टेंगुलर इन शेप, ठीक है। अच्छा, दैट सिक्स फेस फिगर हूज ऑल फेसेस आर इक्वल एंड स्क्वायर इन शेप, सारे के सारे इक्वल भी होंगे और कैसे होंगे, स्क्वायर वाले होंगे, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, क्यू। आगे बढ़ो, सेकंड पॉइंट, एग्जांपल वाले पे, एग्जांपल अभी मैंने दी थी, इसका डस्टर हो सकता है क्यू, क्यूबॉइड का, घन का, अगरबत्ती का डब्बा हो सकता है, मैच बॉक्स हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे आप एग्जांपल, बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स हो सकता है, टिफिन बॉक्स हो सकता है, ठीक है। इसमें कौन से होंगे, मेनली दो हैं, एक तो चॉक बॉक्स हो गया और एक डाइस, पासा और चॉक का डब्बा, ठीक है, ये हो गया दूसरा, ठीक है। तीसरा देखो, इसके सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं, आमने सामने के, जैसे देखो डस्टर, इसका ये और ये इक्वल है, देखो ये और ये, ये इसके बराबर तो नहीं है, नहीं है, इसका ये और ये ऊपर वाला और नीचे वाला, यानी अपोजिट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर इक्वल, सम्मुख पृष्ठ कैसे होते हैं, समान, किसके, घना के, ठीक है। अच्छा, इसके सारे पृष्ठ क्या होते हैं, बराबर, ऑल फेसेस आर क्या होंगे, इक्वल, ठीक है, सारे पृष्ठ कैसे होंगे, बराबर, और सब कैसे होंगे, वर्गाकार, ऊपर नीचे चौक बॉक्स को सोचो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपन फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, फर्श या छत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ फ्लोर और रूफ, देखो महसूस करो, ये कमरा है और ये कमरे का ये फर्श है, ये छत है, देखो कैसे रेक्टेंगल, देखो आप तो इसको मान लेते हो, ठीक है, ये कैसा होगा, आयताकार, रेक्टेंगुलर, इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो जब फर्श बनेगा तो उसका भी कैसे निकलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अच्छा, इसमें आ जाते हैं